एनसीआरबी रिपोर्ट में योगी सरकार की बल्ले बल्ले, योगी का काम काज, स्थापित हुआ कानून का राज, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी, योगी मॉडल से यूपी की तस्वीर बनी नहीं, विपक्ष ने बताया आंकड़ों की बाजीगरी। नमस्कार, विभाग बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, गुंडे माफियाओं की खैर नहीं है। अपराध और अपराधियों पर कानून का हंटर लगातार चल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि जो एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट आई उसमें यूपी बाकी राज्यों की तुलना में अव्वल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही कि अपराधों के मामले में अगर योगी मॉडल को देखें तो वो मॉडल हिट है, जो कि ट्विटर ट्रेंडिंग में भी टॉप कर रहा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है और आंकड़ों के साथ बाजीगरी की गई है और जो आंकड़े दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी सरकार के दबाव में काम कर रही है। सवाल इस बात का है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट सही है या विपक्ष का दावा। एनसीआरबी रिपोर्ट में योगी सरकार की बल्ले बल्ले, योगी का काम काज, स्थापित हुआ कानून का राज, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी, योगी मॉडल से यूपी की तस्वीर बनी नहीं, विपक्ष ने बताया आंकड़ों की बाजीगरी। योगी मॉडल का जिक्र अपराधी अपराध के खिलाफ सरकार की शक्ति के तौर पर हो रहा है। सरकार का दावा है कि अब देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। दावा यह भी है कि इसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। सत्ता में वापसी के बाद सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं और एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, हमने उस संकल्प पर बिल्कुल 100% काम किया और उसके परिणाम अब एनसीआरबी के डाटा से दिखाई पड़ रहे हैं। वरना वो उत्तर प्रदेश जो दंगों से लगातार ग्रसित रहा करता था, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू उसकी नियति बन गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कठोर प्रशासन से आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और इसीलिए 37 वर्षों के बाद कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा हुआ जिस पर सरकार दोबारा रिपीट होकर के आई और उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया और आज कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश के उदाहरण अलग अलग राज्य अपने अपना रहे। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में जहां योगी सरकार की खूब वाहवाही हो रही है तो वहीं प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को यूपी की बीजेपी सरकार में जंगल राज और गुंडा राज दिख रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े फर्जी। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे लखीमपुर की घटना हो, मैनपुरी की हो और अब कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ। आज वो जिंदगी मौत से हॉस्पिटल में जूझ रही है। 4 दिन हो गए, आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां है? कहां है कानून व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। पता नहीं किस आधार पर एनसीआरबी ने ये आंकड़े दिए हैं। ये आंकड़े पूर्ण रूप से फर्जी हैं। एनसीआरबी ये एक सरकारी संस्था है जो सरकार के दबाव में आंकड़े पेश करने का काम करती है। सूबे में योगी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं और सरकार आंकड़ेबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत कही जाती है कि जाकी न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अपराधी जिस तरीके का 2020 का मैच खेल रहे हैं और सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रही है। अभी राजधानी में जिस तरीके से बलात्कार पीड़िता की FIR तक नहीं लिखी गई, ये योगी सरकार के दामन में दाग है। हम उदाहरण दे रहे हैं, हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कर रहे हैं। आंकड़े तो मोदी सरकार के हैं ना, जमीनी सच्चाई क्या है?
एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में सीएम योगी की सख्त प्रशासक छवि से यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में यूपी में कमी आई है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। देश में साल 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई है। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को सही माने तो फिर यूपी दंगा मुक्त है, जबकि झारखंड जैसे राज्य में एक साल में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूपी में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में बहुत कमी आई है। बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। साल 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि साल 2021 में यह घटकर 16,838 हो गए हैं। वहीं साल 2019 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इसके बाद साल 2021 में घटकर यह मामले 56,083 हो गए हैं। साफ है कि साल 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसी आंकड़े के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराधों में कमी आई है, लेकिन योगी सरकार की वाहवाही पर विपक्ष की सियासत भी लगातार जारी है, जो लाजमी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।